हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट टू मनी इन बैंकिंग पढ़ने जा रहे हैं और ये इस यूनिट का पार्ट वन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कि मनी मनी क्या होता है। मनी का मतलब ऐसी वो चीज़ें यानी एनीथिंग जिसको कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है और उसको कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, और इसको यूज़ किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हो, आपने कोई सामान खरीदा या बेचा, तो आप पेमेंट जो है मनी के फॉर्म में रिसीव करते हो या मनी के फॉर्म में पे करते हो। यानी ऐसी चीज़ जिसको कोई भी एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। एक पल के लिए अगर कोई चेक है तो उसके लिए इंसान क्या कर सकता, मना कर सकता है, लेकिन मनी के लिए कोई भी मना नहीं कर सकता। मनी जो है वो कॉमनली एक्सेप्ट होता है और हमेशा यूज़ किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ एक्सचेंज करने के लिए, बाय एंड सेल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मनी का। और मनी जो है वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, तो पहले के टाइम तो मनी इन्वेंट हुई नहीं थी उस टाइम पर, तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था, तो गुड्स के बदले गुड्स को खरीदा और बेचा जाता था, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती थी। उस कॉम्प्लिकेशन को, उस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया, मनी में। और आपको ये पिक्चर दिख रही है किसकी है, ये मनी की। इसको हम कॉमनली एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मनी। मनी के क्या फंक्शन है, तो पहला फंक्शन मनी का क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कोई भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, मनी का। सेकंड फंक्शन मनी का क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। यानी मनी को आसानी से स्टोर किया जा सकता है, मनी को आसानी से सेव किया जा सकता है, आप सेविंग कर सकते हो ना मनी को, ठीक है। एंड थर्ड फंक्शन मनी का क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। यानी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को आप मनी के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। यानी जैसे 5 किलो राइस, उसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 5 किलो राइस 250 रुपये के हैं, तो उस वैल्यू को, उस गुड की वैल्यू को आपने किस में कैलकुलेट कर लिया, मनी के टर्म में। आपने 5 पेन खरीदे, एक पेन 5 रुपये का था, तो टोटल कितने रुपये दिए आपने, 25 रुपये दिए, तो उन 5 पेन की वैल्यू कितनी हो गई, 25 रुपये। यानी मनी के थ्रू हम आसानी से किसी भी गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ फंक्शन होगा स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। यानी सिंपल सी बात है कि बाय यूज़ ऑफ मनी हम कोई भी फ्यूचर पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। यानी सपोज मान लो अगर हमने किसी से बोरिंग करी है और उसको हम अभी हमने लोन बोरो किया है, और अगर हम चाहते हैं हम उसको फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मनी की वैल्यू अभी भी इतनी है और आज के नेक्स्ट टाइम भी कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी। तो ये फंक्शंस है मनी के, कि आसानी से मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ होता है, इसको ईजिली स्टोर कर सकते हैं, और मेजर ऑफ वैल्यू यानी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को आसानी से मनी के टर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है। चौथा कि मनी के थ्रू हम आसानी से फ्यूचर पेमेंट को कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया, जबकि मनी आने से पहले इंडिया में कौन सा सिस्टम था, इंडिया में था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब जहाँ गुड्स के बदले गुड्स को खरीदा और बेचा जाता था। इसलिए सिस्टम को सीसी मनी भी बोलते हैं। सीसी मनी क्यों, कॉमोडिटीज़ फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज। समझ में आया, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कॉमोडिटीज़ के बदले कॉमोडिटीज़ को एक्सचेंज किया जाता है। इसलिए अर्लियर इस सिस्टम को सीसी मनी भी बोला जाता था। इस पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा, एक तरफ पर्सन ये है, एक तरफ पर्सन ये है, ठीक है। अब इस पर्सन के पास एप्पल्स हैं और इस पर्सन के पास क्या है, हैन है। तो अब इनके बीच में ट्रांजेक्शन कैसे होगी, यानी अगर ये पर्सन यहाँ पर एप्पल बेचना चाहता है और इससे हैन खरीदना चाहता है, और यहाँ पर ये पर्सन जो है हैन बेचना चाहता है और इन रिटर्न एप्पल खरीदना चाहता है। यानी इस केस में ट्रांजेक्शन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ तभी हो पाएगी जब दोनों पर्सन जो है एक दूसरे से सेम चीज़ एक दूसरे से चीज़ों वही चीज़ को खरीदना और बेचना चाहते हैं जो उनको अल्टीमेटली चाहिए। इसीलिए कई बार प्रॉब्लम होती थी, अगर मान लो ये हैन बेचना चाहता है, बट ज़रूरी नहीं है कि इसको एप्पल चाहिए, इसके बदले हो सकता है इसको व्हीट चाहिए, और ये पर्सन एप्पल बेचना चाहता है, जरूरी थोड़ी ना इसके बदले इसको हैन चाहिए, हो सकता है इसके बदले इसको हॉर्स चाहिए। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है बार्टर सिस्टम में देखने को मिलती थी। अब हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे। तो पहला ड्रॉबैक आपको पता ही है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब ये भी मैंने आपको बताया कि दोनों पर्सन के बीच में एक्सचेंज और ट्रांसफर सिर्फ तभी हो सकता था जब दोनों पर्सन एक दूसरे से वही चीज़ खरीदना और बेचना चाहते थे जिसके लिए वो विलिंग थे। यानी अगर वो हैन बेचना चाहता था, उसके बदले में अगर वो
एप्पल लेना चाहता है और सामने वाला पर्सन अगर एप्पल बेचना चाहता है और हैंड लेना चाहता है, तभी दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होगी। इसीलिए डबल कॉइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स का होना ज़रूरी था, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। सेकेंड, लैक ऑफ स्टोर। ऑब्वियसली हम इसको, क्योंकि बहुत जैसे वीट हो गए, यानी जो एप्पल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बहुत मिल्क हो गया, ऐसी चीज़ें जो ऐसे गुड़ जो आसानी से पेरिशेबल हो सकते हैं, आसानी से ख़राब हो सकते हैं, तो क्या आप इनको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हो? नहीं। तो दूसरा बड़ा ड्रॉबैक क्या था इसका, कि लैक ऑफ स्टोर, यानी इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कुछ गुड़ बहुत ज़्यादा पेरिशेबल होते थे। थर्ड हो गया लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। ऑब्वियसली गुड्स के बदले गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट था। जैसे एक हॉर्स जो है वो 5 kg राइस के कितने इक्वल होगा? आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि अगर 5 किलो राइस किसी को बेचना है और सामने उसको हॉर्स खरीदना है, तो वो कितने हॉर्स के इक्वल होगा? तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो वैल्यू को कैलकुलेट करने में बहुत डिफिकल्टी आती थी। एंड फोर्थ है लैक ऑफ स्टैंडर्ड एफर्ट पेमेंट, यानी फ्यूचर पेमेंट करने में प्रॉब्लम्स होती थी। क्योंकि आपको पता है, देखो अगर मान लो मेरे को राइस किसी से ख़रीदने हैं, फ्यूचर में ख़रीदने, तो आज अगर राइस जो है वो 200 के हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि 1 साल बाद भी राइस 200 के होंगे। राइस की तो वैल्यू क्या होगी, बार बार चेंज होगी। तो यानी इसके थ्रू हम आसानी से फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि गुड्स की वैल्यू क्या होती थी, फ्यूचर चेंज हो सकती थी, वो कम या ज़्यादा हो सकती थी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स थे जो बार्टर सिस्टम के थे। जो बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक था, वही मनी का क्या था, मेरिट था, वही मनी का क्या है, फंक्शन, वही मनी का क्या है, एडवांटेजेस है। समझ में आया? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी में हम यहाँ पर मनी के 4 फॉर्म्स पढ़ेंगे, 4 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है फियाट मनी। फियाट मनी का मतलब वो मनी जो गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है, यानी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के थ्रू इशू होते हैं। फियाट मनी मतलब वो मनी जो जिसके लिए ऐसी मनी जो गवर्नमेंट ऑर्डर करती है इशू करने के लिए, जितने भी करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, वो सारी कैसी मनी है, फियाट मनी। यानी कॉइन्स और नोट्स, ये सारी कैसी मनी है, फियाट मनी, क्योंकि इनके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, ऑर्डर इशू करता है। जबकि फिड्यूसरी मनी जो है वो कोई गवर्नमेंट उसके लिए ऑर्डर इशू नहीं करती है, ठीक है। और ये मनी जो है वो पेयर और पे इन दोनों की म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे ही क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, एग्जांपल क्या होगा इसका, चेक। चेक जो है वो कोई गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने ऑर्डर से इशू नहीं करती है, लेकिन जो चेक लेना चाहता है और जो चेक देना चाहता है, उनके म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे इस मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। मान लो ए पर्सन ने बी पर्सन से कुछ खरीदा, तो ए को क्या करना है, बी को पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर दोनों ए और बी के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होगा। अगर ए बोलेगा कि कोई बात नहीं, आप मुझे पेमेंट जो है वो बाय चेक भी कर सकते हो, ठीक है, उस मनी को बोला जाता है फिड्यूसरी मनी। तीसरी मनी होती है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब होता है ऐसी मनी जहाँ पर मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती है। जैसे मान लो एक कॉइन है, मान लो 1 रुपये का कॉइन है, उस 1 रुपये के कॉइन को अगर गोल्ड से बनाया जाएगा और उस कॉइन पर 1 रुपये की वैल्यू इम्प्रिंट की जाए, तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि उस गोल्ड की वैल्यू यानी उस कॉमोडिटी की वैल्यू तो क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा हो गई, और जो उस पर 1 रुपये का जो सिंबल है, उसकी जो वैल्यू है, मनी वैल्यू, वो तो 1 रुपये ही है। तो यानी फुल बॉडीड मनी का मतलब जहाँ पर उस मनी को बनाने के लिए जो कॉमोडिटी यूज़ की गई है और प्लस उस मनी पर जो अमाउंट प्रिंट है, यानी उसकी जो वैल्यू है, वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। समझ में आया? फुल बॉडीड मनी में मनी वैल्यू और उस मनी पर जो कमोडिटी उस मनी को बनाने के लिए जो कमोडिटी वैल्यू यूज़ की जाती है, वो दोनों ही सेम होती है, उसको बोला जाता है फुल बॉडीड मनी। फोर्थ मनी होता है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में जो मनी वैल्यू होती है वो कमोडिटी मनी कमोडिटी से क्या होती है, ज़्यादा। अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूँ, आपने 2000 का नोट देखा है, तो 2000 का नोट, उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस 2000 की करेंसी नोट का पेपर आपने देखा है कैसा होता है, उस नोट को बनाने में जो कमोडिटी यूज़ होती है, वो बहुत सस्ती, बहुत चीपर क्वालिटी का पेपर यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत सस्ती पेपर्स यूज़ किए जाते हैं, उसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत कम होती है। तो इस केस में जो है, आपको इस मनी की वैल्यू, यानी जो उस पर अमाउंट प्रिंट है, उस मनी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, किससे, उस करेंसी को बनाने के लिए जो कमोडिटी यूज़ की है उससे ज़्यादा, ठीक है। यानी अगर मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा है तो क्रेडिट मनी, और अगर दोनों बराबर है तो फुल बॉडीड मनी। अगर मनी को गवर्नमेंट अपने ऑर्डर से इशू करती है तो फियाट मनी, और अगर
पेयर और पेई के ट्रस्ट के बेसिस पे यूज किया जाता है, तो फिड्यूसरी मनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनी सप्लाई की, कि मनी सप्लाई क्या होता है। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, टोटल मनी स्टॉक जो किसके पास है, पब्लिक के पास है, यानी वो सारा पैसा जो किसके पास है, पब्लिक के पास है, कहाँ पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। समझ में आया, मनी सप्लाई का मतलब वो सारा पैसा जो पब्लिक के पास है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेजर्स थे पहले, M1, M2, M3, M4, बट आपके सिलेबस में कौन सा मेजर है, सिर्फ M1, तो हम M1 मेजर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मनी सप्लाई को यूज़ करने के लिए कौन सा मेजर यूज़ किया जाता है, M1। और M1 किसके इक्वल होता है, C प्लस DD प्लस OD। यहाँ पर जो सी है, सी का मतलब वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, सी का मतलब वो सारा पैसा जो पब्लिक के पास है, चाहे वो कॉइन के फॉर्म में हो, चाहे वो नोट, चाहे वो कॉइन्स हो या नोट हो। समझ में आया, सी का मतलब वो सारी करेंसी, वो सारा पैसा जो पब्लिक के पास है, चाहे वो कॉइन्स हो या फिर नोट्स हो। डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट जो किसके पास है, कमर्शियल बैंक्स के पास है, यानी वो सारा पैसा जो पब्लिक का कहाँ डिपॉजिट है, कमर्शियल बैंक के पास है। और इस डिमांड डिपॉजिट की खासियत क्या होती है, कि जितना भी पैसा पब्लिक ने कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कराया है, ये आसानी से विड्रॉन किया जा सकता है, यानी पब्लिक इनको डिमांड करके जब चाहे इसको बाय चेक और कैसे भी करके इसको विड्रॉन कर सकती है, जैसे सेविंग्स वगैरह होती है, ठीक है। एंड ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट, इसके अलावा पैसा जो कहाँ है, आरबीआई के पास है। इसके अलावा पब्लिक का वो पैसा जो आरबीआई के पास है, चाहे वो आरबीआई के पास जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड इनका पैसा हो, फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा हो, या फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा हो, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF और वर्ल्ड बैंक, इन सब का पैसा हो, तो ये कहलाएगा M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। और किसके इक्वल होता है, C प्लस DD प्लस OD।